अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल मर जाओ, रचित तो यहाँ नहीं था, ये कब आया? शायद अभी आया होगा। ये लो, इससे जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे फरिश्ता बनकर आए। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, आपके रिश्तेदार, आपकी बाल बच्चे, आपका परिवार सबको खुश रखे। थैंक यू। देखिए नवाब, हमारे अनमोल, तो इस अनमोल ने शहर का तोड़ ढूंढ ही लिया। बहुत हो गया बचने बचाने का खेल। अब तुम रजत की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से जाओगी। आज मैं मेरे और रजत के बीच के कांटे को जड़ से उखाड़ के रहूंगी।
फाइनली आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का दी एंड हो गया। अनमोल, आज तुम्हारी मौत के साथ मेरे और रचत के नए रिश्ते की शुरुआत होगी। मना की है ना माला डालने को? उम्र ही नहीं है अभी। अम्मा पगला गई हो का? हा? अरे अनमोल का अंतिम संस्कार हो चुका है। अरे अब तो मान लो मर चुकी है तुम्हारी बेटी। वसंत पंचमी के खास अवसर पर कुछ ही समय में अलग अलग स्कूल के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। हम साथ मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। एक महीना हो गया और अब तक इसको होश नहीं आया है, जबकि हर तरह का इलाज कर चुके हैं हम। हम आज के दिन को हम दोनों के लिए यादगार बनाना चाहते हैं पल्लवी। क्या आप हमारी वैलेंटाइन बनेंगे? बस अब जल्दी आ जाओ पल्लवी, हम चाहते हैं कि ये तोहफा हम आपको अपने हाथों से पहना। शिवा आओ हमारे साथ। शिवा वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये लोग उसी तरफ जा रहे जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। हमरा और हमरी बेटी का रिश्ता अभी कुछ दिन पहले ही सही हुआ था। जिस प्यार, जिस आंचल के लिए सालों तरसी, वो छोड़कर नहीं जा सकती। अनमोल हार मारने वालों में नहीं। अरे हरा कर ही तो गई है, हालत तो देख कैसी हो गई है। अरे तुमने नमक खाए हैं इसीलिए कर्जा उतार रहे हैं, नहीं तो कब का सड़क पर आ गई होती। सब लुट गया है लेकिन तेवर अभी भी वही का वही है, मालकिनों वाली। मालकिन नहीं, एक माँ का भरोसा, उसका दिल कहता है वो भी जिंदा। चलो निकलो यहां से। सिंहासन पर से सड़क पर आ गई हो लेकिन अब तक तुम्हारी ठसक नहीं गई है, मुसीबत में रहने का दे दिए। तुम तो अपने कपाल पर चढ़कर नाचने ही लगी हो। अब चलो निकलो यहां से, निकलो। तुम्हारी अम्मा तुम्हें पुकार रही है अनमोल, वापिस आ जा बच्चा। वो तो अच्छा हुआ जड़ी बूटी की खोज में गई गुरु माँ की नजर इस पे पड़ गई, वरना ये उसी दिन मर जाती। सच में ऊपर वाले की कृपा थी इस पर। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी इसी सांसे चलती रही, जैसे कि ये किसी के लिए जीना चाहती हो। मानना पड़ेगा इन दिनों हर जगह बस इन्हीं की चर्चे है। हाँ तो हमारी बहुरिया है ही लाजवाब। समाज का कार्यक्रम हो या हो गरीबों की सेवा का काम, व्यवहार का सौदा हो या फिर करना हो दान, पूरे गोरखपुर में हर किसी की जुबान पर है बस एक ही नाम, ऋदुला चौहान।
बैठी। अरे भाई देर क्यों हो रही है, मेहमानों के लिए स्नैक्स और आइस लेकर आओ। कल्याण का तो काम ही है कल्याण करना। आप लोग आनंद लीजिए, हम अभी आते हैं। भोला जी कहाँ छिछुरी हरकतें कर रहे हैं, शरम लिहाज सबके इस शराब में खोद कर गटक गए हैं। कल्याणी जी हमने कोई नो शरम का त्याग नहीं किया है। अरे शरम का त्याग तो वो जो वहां सेठानी बनी बैठी है, उसने इज्जत का गला घोट दिया है। वापिस आ जा मेरी बच्ची, अपनी अम्मा के पास वापिस आ जा। आश्चर्य की बात है कि इसके परिवार का कोई आया क्यों नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना पति। मुझे तो लगता है इसका कोई है ही नहीं। तभी तो पुलिस वाले भी पूछताछ के लिए नहीं आए। वो काम आप बाद में करिएगा, पहले ड्रिंक सर्व करो। आज हमारा व्रत है, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे सुनहरी तुम तो जानती हो ना कि ना भूलने का परिणाम क्या हो सकता है। ये तो फिर सीधे सीधे बात मान क्यों नहीं जाती हो। जी जी ये आप क्या बोल रही हैं, आप इसके रंग में रंगे। आज बसंत पंचमी है, आप ही ने हमें पूजा पाठ तीज त्योहार सिखाया है। जी जी क्या भगवान को भी पूरी तरह से भूल चुके हैं आप। अरे सुनहरी यहाँ आओ, आओ यहाँ हम बताते हैं। पुकार है ना, दुनिया का यही दस्तूर है, जिससे फायदा हो उसी को भगवान बना लो। पुकार है ना, इससे तकलीफ भी कम होती है और दर्द भी संभल जाता है। जी जी हमारी भक्ति तो मृदुला के लिए ही है। वो का है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। देखो हम तो ये कहते हैं कि तुम भी यही रास्ता अपना लो, कहा है ना सुकून से रहोगी। वो कहा है ना चाबी का गुच्छा अगर हाथ से छूट जाए तो सिर्फ छल्ले को घुमाना नहीं चाहिए क्योंकि तो उसमें से सिर्फ आवाज निकलेगी। ताला नहीं खुलेगा। इंतजार और इंकार
मैं दोनों ही नहीं पसंद। ड्रिंक सर्व करो अभी। मृदुला, हमने कहा ना हमारा व्रत है, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। सुना आप लोगों ने, मेरी आदरणीय सासू माँ कह रही हैं कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगी, तो क्यों ना हाथ की जगह मुंह लगवा दे। जिस गले से ना निकले अब उसी गले को सजा मिलेगी। निर्णा, ये क्या कर रही हो? तो छोड़ो मामी को, आज व्रत है उनका। नंदनी, तुम्हें कहां जरूरत है फटे में अपने पैर पटाने की? छोड़ दो उसे ना, मृदुला की गाज तुम्हारे ऊपर गिरेगी। छोड़िए हमें मम्मी, आपने अपना जमीर बेचा होगा लेकिन हमारा जमीर अभी जिंदा है। मामी चलिए मम, आइए। नहीं, बैठ जाइए आराम से। हाँ हम अभी आते हैं। मामी कुछ नहीं होगा, आप देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी शांत हो जाइए पहले, अब ठीक है ना? नहीं नंदनी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। कितने दिन हमारे घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। वो मृदुला हमारे घर को नशेड़ियों का अड्डा बना रही है। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा मामी। हम नहीं जानते हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो हमारे परिवार के साथ ये सब कुछ हो रहा है। भाभीया होती तो जरूर कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही देती।
लड़की का। आज हमारे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उस लड़की की वजह से हो रहा है। हमारे घर की खुशियां, रिश्ते सब बिखर गए। मम्मी आप प्लीज मत रोइए, सब बिखर। हम सब तो समय रहते संभल जाएंगे, पर हो ना हो कुछ तो अटका इसका, वरना इसकी सांस कब के निकल चुकी होती। पर अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा है, पता नहीं किसके पास इसकी दवा है जिससे इसकी आंखें खुलेगी। पापा